हेलो स्टूडेंट, मैं अनुपम शर्मा एक बार फिर आपके सामने केमिस्ट्री के एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं। और वो टॉपिक है, आप बोर्ड में देख भी रहे हैं, थर्मोडायनामिक्स या ऊष्मागतिकी। ये टॉपिक नीट के एग्ज़ाम के लिए, ACF के एग्ज़ाम के लिए और JEE के लिए, ये तीनों ही एग्ज़ामों के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं ACF की बात करूं तो ये टॉपिक डायरेक्टली तो सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, पर अगर आप ACF के क्वेश्चन पेपर देखेंगे पिछले सालों के, तो वो क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड हैं और आए हुए हैं, जो हम लोग लेक्चर के दौरान या लेक्चर के अंत में उन क्वेश्चनों को देखेंगे। तो अब आते हैं, शुरू करते हैं इस टॉपिक को। इस टॉपिक में सबसे पहले तो आप कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी हैं जिसको कि आपको जानना या समझना बहुत ज़रूरी है। उसमें पहला जो टर्म हम लोग इस्तेमाल करेंगे इस टॉपिक के दौरान, जो है आपका तंत्र या सिस्टम। इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम। क्या चीज़ होता है तंत्र, किसको कहते हैं तंत्र? तो समझेंगे हमारे टेक्निकल लैंग्वेज में कि पूरे ब्रह्मांड का वह भाग जिसको कि आपने अपनी स्टडी में, या यूं कहिए कि अपने ज्ञान में या अपने अध्ययन में लिया हुआ है, उसे कहते हैं तंत्र। ध्यान दीजिएगा, उसे कहते हैं सिस्टम। तो सिस्टम यूनिवर्स का वो पार्ट है जिसमें कि जो अध्ययन में हम जिसका यूज करेंगे। अब सिस्टम को बहुत सारे तरीकों से समझेंगे हम लोग आने वाले समय में। तो आप समझ गए कि सिस्टम क्या है। सिस्टम पूरे ब्रह्मांड का वह भाग जिसको आपने अध्ययन में लिया हुआ है। सिस्टम हमेशा किसी न किसी के संदर्भ में होता है। अब वो कैसे होगा, अभी कुछ देर बाद हम इस चीज को समझेंगे। दूसरा जो होता है वो होता है सराउंडिंग या वातावरण। ध्यान दीजिएगा, सराउंडिंग। सिस्टम को छोड़ के, बिसाइड सिस्टम, रेस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड सराउंडिंग। मतलब तंत्र के अलावा ब्रह्मांड का सारा भाग क्या है, वो वातावरण है। अब इन दोनों चीजों को हम किसी एग्जाम्पल से समझते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। जैसे अभी मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, तो जिस चीज को आप अभी पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट के बेस पे या विषय के संदर्भ में, तो केमिस्ट्री हमारे लिए बन गया तंत्र, और बाकी सारी चीजें अब हमारे लिए बन गई वातावरण। तो बाकी सारी चीजों से मतलब, बाकी सारी चीजों से मतलब है वो विषय के संबंध में, जैसे फिजिक्स या बायोलॉजी या मैथमेटिक्स या हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स, ये सब बन गए अब सराउंडिंग या वातावरण, जो कि हम अभी सब्जेक्ट की बात कर रहे थे। ध्यान दीजिएगा, अब जैसे मान लीजिए थाली में बहुत सारी चीजें आपको परोसी गई खाने के लिए, पर आप मान लीजिए सबसे पहले स्वीट डिश खाना चाहते हैं, मिठाई खाना चाहते हैं, तो मिठाई को आपने उठाया थाली से, तो वो बन गया आपके लिए तंत्र। और बाकी सारी चीजें जो खाने की आपकी थाली में है, ध्यान दीजिएगा, जो आपकी थाली में है वो सारी चीजें बन जाएंगी वातावरण। मतलब हो सकता है दाल, हो सकता है चावल, हो सकता है रोटी, ये सारी चीजें अब आपके लिए बन जाएंगी वातावरण या सराउंडिंग। तो तंत्र और पर्यावरण या सिस्टम और सराउंडिंग हमेशा एक दूसरे के रिस्पेक्ट में या एक दूसरे के संदर्भ में बात की जाती है। आई होप कि आप ये दो पॉइंट समझ गए होंगे। तीसरा पॉइंट जो होता है, और वो होता है आपका बाउंड्री, जिसको हम लोग बोलते हैं परिसीमा। परिसीमा या इंग्लिश में इसको बोलते हैं बाउंड्री। तो बाउंड्री क्या होती है, बाउंड्री वो पार्ट है जो सिस्टम को सराउंडिंग से क्या करेगा, अलग करेगा। अच्छा, बाउंड्री दो टाइप की होती है, एक आपकी इमेजिनरी जो आपको आंख से दिखाई देगी, और दूसरी जो आपको नहीं दिखाई देगी, और दूसरी जो होती है रियल, जो आपको आपकी आंख से दिखाई देंगी। ये दोनों चीजें हो सकती है। जैसे कि हम बात करते हैं शहरों में जो कॉलोनीज होती हैं, कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जो कि घिरे नहीं होते हैं, परंतु हम बोलते हैं कि ये यहां से लेके यहां तक का जो एरिया है इसको एक कुछ नाम अलग दे दिया, उसके आगे का कुछ एरिया को नाम अलग दे दिया, तो हमने एक बाउंड्री डिसाइड कर ली कि इस शॉप से आगे की जो शॉप्स होंगी उसको किसी और नाम से, एरिया को किसी और नाम से जाना जाएगा। तो ऐसी जो बाउंड्रीज रहती हैं वो इमेजिनरी रहती हैं, ऐसी जो परिसीमा
सीमा रहती है वो इमेजनरी रहती है, और दूसरी जो फिजिकल होंगी जो दिखाई देंगी वो परिसीमा होंगी जिनको कि आप आंख से देख सकते हैं। जैसे हमने अपने घर के चारों ओर बाउंड्री वॉल बना ली, दूसरे घर से अपने घर को अलग किया, तो वो बाउंड्री आपको आंख से दिखाई दे रही है। तो ऐसी बाउंड्रीज जो होंगी वो रियल बाउंड्री होंगी, वास्तविक परिसीमा होंगी जो कि आपको आंख से दिखाई देंगी। तो हमारे थर्मोडायनेमिक्स के टॉपिक में तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं जिसको कि आपको अभी अपने टर्म को ध्यान में रखना है, क्योंकि हम बार बार इसका इस्तेमाल करेंगे इस लेक्चर के दौरान कि एक तंत्र है, एक पर्यावरण है, परिसीमा है। तो आप इस चीज को अपने दिमाग में रख सकते हैं और आई होप कि आप ये तीनों पार्ट को समझ गए होंगे। अब आते हैं दूसरा जो टॉपिक इसमें हम लोग ले रहे हैं और वो है तंत्र के प्रकार। हमने आपको तंत्र समझाया पहले, तो तंत्र क्या होता है, और अब आ रहे हैं कि तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो मोटे तौर पे देखा जाए तो तंत्र जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ सिस्टम। सबसे पहला होता है ओपन सिस्टम, मतलब खुला तंत्र। दूसरा होता है क्लोज सिस्टम, मतलब बंद तंत्र। और तीसरा जो होता है वो होता है आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब ये तीन प्रकार के तंत्र होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। तो एक एक करके हम इसको देखते हैं कि ये कैसे काम करते हैं और इनका क्या डेफिनेशन है और ये कैसे अलग होंगे एक दूसरे से। ओपन सिस्टम, अब अगर हम पहले बात करते हैं ओपन सिस्टम की, यहां मैं लिख रहा हूं ओपन सिस्टम, ये पहला मैंने इसका पार्ट लिखा है, इसको मैंने ए नाम दे दिया, इसको बी, सपोज कीजिए इसको सी बोल दिया। तो मैं बात कर रहा हूं अभी ए की, दैट इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम, खुला तंत्र। तो ओपन सिस्टम क्या होता है, ऐसा सिस्टम जिसमें ध्यान दीजिएगा हीट और मैटर, मतलब जिसमें से ऊष्मा और पदार्थ दोनों ही तंत्र से निकल के वातावरण में चले जाएंगे। अगर मैंने अपवर्ड एरो निकाला है इसका मतलब है कि ये चले जा रहे हैं बाहर। तो ओपन सिस्टम या खुला तंत्र वो तंत्र होता है जिसमें कि पदार्थ और ऊष्मा दोनों ही तंत्र से निकलकर वातावरण में चली जाती हैं। ये तो हो गई उसकी परिभाषा। अब किसी एग्जाम्पल से समझें कि खुला तंत्र होता कैसे है और दिखता कैसे है और कैसे काम करेगा। तो देखिए एक एग्जाम्पल मैं डे टू डे लाइफ का लूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा, जिसको कि आप इमेजिन कर पाएंगे, यहाँ पे आप सोच पाएंगे। जैसे मैंने मान लीजिए एक लीटर पानी लिया और उसको किसी बर्तन में लेकर उसको गैस में चढ़ा दिया गर्म करने के लिए, और मैंने गैस के फ्लेम को हाई कर दिया। मैं 15 से 20 मिनट या आधे घंटे तक अगर मान लीजिए उस पानी को लगातार उबालता हूँ, तो क्या पानी का वॉल्यूम या उसका आयतन एक लीटर ही रहेगा? आपको इसका जवाब पता है कि वो नहीं रहेगा, क्योंकि कुछ पानी वातावरण में चला जाएगा उड़ के। अच्छा, मैं जितनी हीट दे रहा हूँ उसको लगातार, क्या वो पूरी की पूरी हीट उसके अंदर स्टोर रहेगी? इसका जवाब भी आपको पता है शायद कि नहीं रहेगी, क्योंकि वो भी क्या होगी, वातावरण में जाती जाएगी जैसे जैसे गर्म करते जाएंगे। तो ऐसा तंत्र इस कैटेगरी में आता है कि किसी खुले बर्तन में यदि हम किसी लिक्विड को गर्म करेंगे तो उसमें क्या होगा, मैटर भी मतलब पदार्थ भी वातावरण में चला जाएगा और हीट भी क्या होगी, वातावरण में निकल जाएगी बाहर। तो ये दोनों चीजें बाहर चली जाएंगी, तो अमाउंट भी कम हो जाएगा उसका और हीट भी कम हो जाएगी। तो ऐसा तंत्र हमारा क्या कहलाएगा, ओपन सिस्टम या खुला तंत्र। आई होप ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। अब आते हैं दूसरे टाइप में, मैं इधर लिख देता हूं। दूसरा जो प्रकार है आप देख रहे हैं क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम बंद तंत्र है, क्लोज सिस्टम है। अब क्लोज सिस्टम में क्या कंडीशन है अब आप देखेंगे। तो क्लोज सिस्टम की अगर मैं कंडीशन यहां पे दिखाऊं तो आप इस दोनों में, मैं मिटाई से कर नहीं रहा हूं कि आप दोनों में कंपेयर करके उस चीजों को बहुत अच्छे समझ पाएंगे कि हीट जो है, ध्यान दीजिएगा, हीट जो है वो तो बाहर निकल जाएगी, परंतु मैटर जो है मतलब पदार्थ जो है वो बाहर नहीं जाएगा, वो उसी में रहेगा। मतलब जितना तंत्र का वेट होगा, अमाउंट होगा,
आयतन होगा, जिस रूप में भी ले रहे हैं, अगर तंत्र ठोस होगा तो उसको हम ग्राम या केजी में लेंगे, और तंत्र अगर हमारा लिक्विड हुआ, लिक्विड सिस्टम हुआ, तो हमारा वो ml या लीटर में होगा, तो वो अमाउंट जो रहेगा वो चेंज नहीं होगा। तो ऐसा तंत्र जो होता है वो कहलाता है आपका क्लोज सिस्टम। तो दोनों में आप अंतर मेरे ख्याल से बेहतर समझ पा रहे हैं कि ओपन सिस्टम या खुला तंत्र वो तंत्र है जिसमें हीट और मैटर दोनों ही क्या होंगे, सराउंडिंग में चले जाएंगे, वातावरण में चले जाएंगे तंत्र से निकल के, और क्लोज सिस्टम में केवल हीट जाएगी सराउंडिंग में, मैटर या पदार्थ का अमाउंट नहीं जाएगा, वो कॉन्स्टेंट रहेगा। अब इसका कोई एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए हमने एक रॉड को, उसका वेट लिया, एक लोहे का रॉड लिया, उसका वेट मान लीजिए 1 kg रहा, उसको वेइंग कर लिया, तौल लिया, और उसको मैंने गर्म किया, थोड़ा सा गर्म कर दिया उसको, तो मैं उसको अगर हीटर में या मैं गैस में इसको रॉड को लोहे की गर्म कर देता हूँ, तो मैं उसको गर्म करने के बाद मैंने छोड़ दिया उसको 5-10 मिनट के लिए, तो मैं देखूंगा कि धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ वो रॉड ठंडी हो जाएगी। इसका मतलब है उसके अंदर जो हीट स्टोर थी, जो गर्म करने से इकट्ठा हुई थी, वो धीरे धीरे क्या हो गई, बाहर निकल गई, पर उसका जो वेट है वो चेंज नहीं हुआ, वो 1 kg का 1 kg रहा। तो ऐसा सिस्टम क्या कहलाएगा आपका, क्लोज सिस्टम। मतलब कोई गर्म चीज को अगर आपने छोड़ दिया, गर्म करने के बाद छोड़ा, उस समय उसका वेट ले लिया और उसके अंदर की हीट देख ली कि कितनी है, और 10 मिनट के बाद आप देखेंगे तो उसके अंदर से हीट तो निकल गई पर मैटर अभी भी उतना ही है, तो ऐसा सिस्टम क्या कहलाएगा, क्लोज सिस्टम। अब तीसरा केस में आते हैं, वो है आपका जो सी केस है, वो है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या कंडीशन बनेगी, ध्यान दीजिएगा, इसमें दोनों ही चीज ट्रांसफर नहीं होती है, नाइदर हीट नॉर मैटर, मतलब ऊष्मा या हीट ये भी नहीं बाहर जाएगी और मैटर भी बाहर नहीं जाएगा। तो आप तीनों में बहुत अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि खुला तंत्र ऐसा तंत्र होगा जिसमें हीट और मैटर दोनों ही वातावरण में जाएंगे, बंद तंत्र क्लोज सिस्टम ऐसा होगा जिसमें केवल हीट जाएगी मैटर नहीं जाएगा, और आइसोलेटेड सिस्टम में जो है वो आपका न तो हीट और न ही मैटर जो है वो सिस्टम से निकल के सराउंडिंग में जाएगा। तो केवल कुछ इसमें से चीज नहीं जाएंगी, पर एक बात अपने दिमाग में ध्यान रखिए कि प्रकृति में कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जो कि 100% आइसोलेटेड हो, 100% आइसोलेटेड कोई भी तंत्र ऐसा नहीं है, मतलब कि दोनों चीजें बिल्कुल ही ट्रांसफर ना हो, ऐसा नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो चीज ट्रांसफर होगी, अगर मैटर नहीं होगा तो हीट तो थोड़ी सी निकलेगी ही। पर इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं आपका थर्मस फ्लास्क, जिसमें कि हम चाय या कॉफी रखते हैं, तो ठंड के दिन में अगर हमने चाय या कॉफी उसके अंदर रखी हुई है तो बहुत देर तक आप देखते हैं उसमें गर्म रहती है, मतलब मैटर तो नहीं जाता, हीट भी काफी हद तक का स्टोर रहती है, पर 100% आइसोलेटेड नहीं हो पाती है, क्योंकि वैक्यूम पूरा कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि निर्वात में ही ऊष्मा का संचरण नहीं होगा और निर्वात को मेंटेन करना इतना आसान नहीं होता है, इसी कारण हम ये मान के चलते हैं कि 99.8% 6% या 9% भी इवन बोल सकते हैं कि हम आइसोलेटेड सिस्टम बना सकते हैं, पर 100% नहीं बना सकते। तो मेरे ख्याल से आप इन चीजों को समझ गए होंगे कि देयर आर 3 types ऑफ सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। अब थोड़ी सी कहानी को और आगे बढ़ाते हैं यहां से, और एक चीज और समझते हैं, यहां पे एक कॉन्सेप्ट और आपको यहां पे समझना है जिसके ऊपर क्वेश्चन आपको मिलते हैं या आते हैं, और वो है आपका पहला इसमें लिखेंगे और वो है एंथैल्पी। ये ग्रीक शब्द है, इसका हिंदी और इंग्लिश नहीं होगा, तो इस बात को ध्यान रखेंगे, एंथैल्पी, और इसका जो सिंबल इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग और वो है आपका कैपिटल ई। एंथैल्पी को जो उसका पहला अल्फाबेट है उसी से इसकी प्रेजेंटेशन करते हैं, और वो है आपका एंथैल्पी, जिसको हम कैपिटल ई से दिखा रहे हैं। एंथैल्पी होती क्या चीज़ है, इसकी परिभाषा को या इसकी मीनिंग को आप समझते हैं। किसी भी तंत्र की, ध्यान दीजिए, हमने तंत्र बात किया तो आप समझ रहे हैं कि तंत्र क्या हो रहा है, किसी भी तंत्र की, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी तंत्र की नियत दाब पर, कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट उसके अंदर स्टोर होगी
वो कहलाएगी एंथैल्पी। द टोटल हीट ऑफ द सिस्टम एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एंथैल्पी। मतलब किसी भी तंत्र की नियत दाब पर कुल ऊष्मा एंथैल्पी कहलाती है। अब इसको मैथमेटिकली किस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं? इसको कैलकुलेट करते हैं कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है एच इज इक्वल टू ई प्लस पी वी। मैंने कैपिटल ई से रिप्रेजेंट कर दिया। एंथैल्पी का जो सिंबल होता है वो होता है कैपिटल एच। तो कैपिटल एच इज इक्वल टू ई प्लस पी वी। इस फॉर्मूले से हम लोग क्या करते हैं, एंथैल्पी को प्रदर्शित करते हैं। अब यहां पे एच तो आपको पता चल गया, ये एंथैल्पी था जो हमने लिखा। ई क्या है? ई जो है वो है आपका इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी। और पी जो है वो प्रेशर है, और वी जो है वो वॉल्यूम है। तो एंथैल्पी को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल एच से, और एच इज इक्वल टू ई प्लस पी वी। इस फॉर्मूले से हम लोग एंथैल्पी को कैलकुलेट करते हैं। और अगर हमको एंथैल्पी में परिवर्तन दिखाना है, देखिए हम अपने केमिस्ट्री में जब परिवर्तन को शो करते हैं तो उसके आगे डेल्टा लगा के, जिसको हम ट्रायंगल बोलते हैं, बड़ा डेल्टा, उसको लगा के हम लोग क्या करते हैं, शो करते हैं। तो अगर मुझे एंथैल्पी में परिवर्तन यहां दिखाना है तो मैं लिखूंगा डेल्टा एच, मतलब इसको पढ़ूंगा मैं एंथैल्पी में परिवर्तन। ये थी एंथैल्पी एच केवल, और डेल्टा एच लगा दिया तो एंथैल्पी में परिवर्तन, और ये इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। इस फॉर्मूले से हम एंथैल्पी परिवर्तन को निकाल लेंगे किसी भी तंत्र में। तो अगर आप गौर से इस फॉर्मूले को देखें, जब हमने परिवर्तन किया तो आपने देखा कि पी के आगे डेल्टा पी नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि जो पी है प्रेशर वो नियत है, ध्यान दीजिएगा, नियत है, जीरो नहीं है, कांस्टेंट है, मतलब वो चेंज नहीं हो रहा है। पर डेल्टा इसी का नहीं होगा, माने प्रेशर में चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि एंथैल्पी की हमने डेफिनेशन ये भी आपको ये बताई कि एंथैल्पी जो है वो किसी भी तंत्र की नियत दाब पर कुल ऊष्मा है। द टोटल हीट ऑफ द सिस्टम एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, तो इसी कारण हमने प्रेशर को यहाँ पे कॉन्स्टेंट रखा हुआ है। पर ये फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जब हमारे पास जो भी सिस्टम है वो लिक्विड फेज में आ रहा है। अब अगर यही गैस फेज में होता है, अगर गैस फेज में अगर तंत्र है तो हम उसके लिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे वो फॉर्मूला मैं अब यहां लिख रहा हूं, और वो होगा आपका डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ध्यान दीजिएगा, इस फॉर्मूले में कुछ चेंजेस आ गए पहले वाले फॉर्मूले से। ये है फॉर गैसियस सिस्टम। अब देखिए, हमने बार बार तंत्र और तंत्र शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमने कुछ देर पहले आपको तंत्र को डिफाइन कर दिया कि अगर तंत्र गैसी होगा तो हम एंथैल्पी परिवर्तन उसमें इस फॉर्मूले से मैथमेटिकली निकालेंगे, न्यूमेरिकल के थ्रू निकालेंगे कि डेल्टा ई प्लस डेल एन जी आर टी। अभी आपने डेल्टा एच को तो समझ लिया कुछ देर पहले कि ये एंथैल्पी में परिवर्तन है, डेल्टा ई को भी समझा आपने कि ये आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है। अब एक चीज यहां पे समझ ले थोड़ा सा कि ये आंतरिक ऊर्जा पहले क्या होती है ना, हम एंथैल्पी को तो आपको भी डिफाइन कर दिया। आंतरिक ऊर्जा होती है किसी भी तंत्र के अंदर नियत आयतन पर कुल ऊष्मा। ध्यान दीजिएगा, एंथैल्पी और आंतरिक ऊर्जा में बेसिक अंतर यह है कि एंथैल्पी जो है वो किसी भी तंत्र की कुल ऊष्मा है नियत दाब पर, और जो आंतरिक ऊर्जा है वो किसी भी तंत्र की नियत आयतन पर कुल ऊष्मा है। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, ये नियत आयतन पर कुल ऊष्मा है और ये नियत दाब पर कुल ऊष्मा है। मतलब अगर हम दाब को कांस्टेंट करके अगर हम मेजर करेंगे हीट को तो वो एंथैल्पी होगी उस सिस्टम की, और अगर हम लोग आयतन को कांस्टेंट करके, वॉल्यूम को कांस्टेंट करके अगर हम हीट को कैलकुलेट करेंगे किसी सिस्टम की तो वो हो जाएगी उसकी आंतरिक ऊर्जा। अब आते हैं यहाँ पे डेल्टा एन जी, ये क्या चीज है? डेल्टा एन जी जो है आपका, ये जी को मैंने सब्सक्रिप्शन में लिखा हुआ है, डेल्टा एन जी जो है वो है गैसी मोलों में परिवर्तन। देखिए, गैसी मोलों में परिवर्तन, अब गैसी मोल
मैंने आपको भी लिखा है कि ये जो तंत्र है वो गैसीय सिस्टम के लिए, माने अगर तंत्र आपका गैस है तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो किसी गैसीय सिस्टम के लिए अगर हम डेल्टा एन कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसके लिए हम कैसे निकालेंगे डेल्टा एन, वो निकालेंगे समेशन ऑफ एन पी माइनस समेशन ऑफ एन आर। समेशन आप मैथमेटिक्स में समझते होंगे, जोड़ इसको बोलते हैं, जोड़ना, समेशन किया। एनपी लिखा मतलब उत्पाद के मोलों की संख्या, ध्यान दीजिएगा एनपी का मतलब है यहां पे उत्पाद के मोलों की संख्या, और एनआर का मतलब है अभिकारक के मोलों की संख्या। अब चूंकि हमने तंत्र कहा है गैसी है तो हम इसके साथ में ये सब्सक्रिप्शन में उसकी फेज या उसकी अवस्था मेंशन कर देंगे कि हमको केवल गैसी सिस्टम को लेना है, मतलब उसमें जो कंपोनेंट गैसी होगा उसको लेना है। अब किसी एग्जांपल से समझते हैं कि हम ये डेल्टा एन कैलकुलेट कैसे करेंगे। मान लीजिए मैंने एक रासायनिक अभिक्रिया लिखी जो कि हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण है, शायद ये बड़ी पॉपुलर रिएक्शन है, आप जानते भी होंगे, ये मैंने उसके नीचे में फेजेस मेंशन कर दी, ये मैंने फेज लगा दी। तो ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और ये अमोनिया है, इनसे मिलके ये रिएक्शन कंप्लीट हुई है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से मिलके अमोनिया बना है। अगर मैं इसका डेल्टा एन जी कैलकुलेट करता तो ध्यान से देखिएगा मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, अगर मैं इसका डेल्टा एन जी कैलकुलेट करता तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करता, ये फॉर्मूला जो कि बता रहा है कि उत्पाद के गैसी मोलों को जोड़ना है। तो उत्पाद कौन है यहाँ पे, अमोनिया उत्पाद है, और उसके मोल कितने आपको दिखाई दे रहे हैं, दो, तो मैंने टू कर दिया माइनस, क्योंकि उत्पाद के गैसी मोल एक ही उत्पाद है, माइनस अभिकारक के गैसी मोलों का योग। अब ये साइड आपकी अभिकारक है, अब इसमें देखिए कि अभिकारक कितने आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको अभिकारक दो दिखाई दे रहे हैं, एक नाइट्रोजन है और एक हाइड्रोजन है, और इनके मोलों को जोड़ेंगे। अभी नाइट्रोजन के कितने मोल है, अगर आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो ये अंडरस्टूड है कि उसका मोल एक होगा, और हाइड्रोजन कितने हो गए, तीन। तो यहां पे कुल मोलों की संख्या कितनी आ जाएगी, अभिकारक के कुल मोलों की संख्या आ जाएगी चार, वो भी गैसी, ध्यान दीजिएगा। तो यहां से इसका मान कितना निकलेगा, डेल्टा एन जी का मान माइनस टू, यहां से डेल्टा एन जी का मान माइनस टू निकल जाएगा, जो हम यहां पे रखेंगे उसकी वैल्यू विथ साइन, ध्यान दीजिएगा आपको चिन्ह के साथ उसको रखना है, ये भी बात अपने दिमाग में रखिएगा कि आपको चिन्ह के साथ उसके मान को रखना है। अब मैं एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं, मेरे ख्याल से ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूं, ये भी आप रिएक्शन, मैं बड़े कॉमन एग्जाम्पल ले रहा हूं जिसके कि आप रिएक्शन जानते हैं और आपने पढ़ा भी होगा अपने समय में जब आपने पढ़ाई की होगी। अब मैंने ये रिएक्शन लिखी हुई है, ये है कैल्शियम क्लोराइड जिसको लाइमस्टोन के नाम से भी हम लोग जानते हैं, चूने का पत्थर, और ये बना है चूना कैल्शियम ऑक्साइड जिसको क्विक लाइम भी बोलते हैं, और ये बना कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप देख रहे हैं इसमें उनकी फेजेस मैंने मेंशन कर दी है, और वो फेज है ये सॉलिड फेज में है, ये सॉलिड फेज में, और ये गैस फेज में है, मतलब अवस्थाएं मैंने उसकी लिख रखी है। अगर मैं यहां से डेल्टा एन जी कैलकुलेट करूं इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए, तो मैं इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए जब मैं डेल्टा एन जी कैलकुलेट करूंगा तो मैं इस टाइप से कैलकुलेट करूंगा, उत्पाद के गैसी मोल जो आपका उत्पाद है, CO2 एक उत्पाद है और वो गैस में कितने मोल है, अभी उसके सामने एक लिखा है तो ये एक हो गया, माइनस अभिकारक के गैसी मोल। अब अभिकारक के साइड तो कोई गैस है ही नहीं क्योंकि ये सॉलिड फेज में है, ठोस अवस्था में, तो मुझे उसको कंसीडर नहीं करना है, मुझे ना तो लिक्विड को कंसीडर करना है यहां पे, ना ही सॉलिड को कंसीडर करना है, मुझे कंसीडर करना है केवल गैसियस कंपोनेंट को। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा क्योंकि हमने यहां पे मेंशन कर दिया है फॉर गैसियस सिस्टम, ये फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है गैसियस सिस्टम के लिए। तो आपको इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जब आप डेल्टा एन जी कैलकुलेट करेंगे किसी क्वेश्चन में या किसी न्यूमेरिकल में, तो आपको इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि कहां पे गैस है और कहां पे लिक्विड और सॉलिड है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, उसके आधार पे आप निकाल पाएंगे डेल्टा एन का मान। आई थिंक आप समझ गए होंगे इस चीज को। अब मैं इस एग्जांपल को मिटा देता हूं, अब मैं आगे बढ़ता हूं यहां से, और अब आते हैं इस आर, आर यहां पे क्या चीज है, ध्यान दीजिए आर जो है वो है यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं सर्वत्र गैस नियतांक, ये यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट है, ध्यान रखिएगा यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट की वैल्यू अलग अलग यूनिट में अलग अलग होती है।
फिलहाल हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, ऊष्मागतिकी की बात करें, और उसमें अगर आर के मान की बात करें तो आर की वैल्यू होती है 8.314, ये जूल में होती है, 314 ये जूल में होती है, यूनिट जूल, जो कि ऐसा यूनिट भी है। आर की वैल्यू 1.99 जिस कैलोरीज में होती है, और आर की वैल्यू 8.314 इंटू 10^7 ये होती है अर्क्स में। तो ये अलग अलग वैल्यूज अलग अलग यूनिट में होती हैं, पर ज्यादातर हम लोग इस्तेमाल पहले वाले यूनिट का करते हैं, क्योंकि ऊष्मा का जो ऐसा ही मात्रक होता है, स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है वो जूल होती है, तो जूल में कैलकुलेशन करते हैं। पर इसका मतलब नहीं कि आप हमेशा जूल में ही निकालें, आप इनके मात्रक के आधार पर भी आर का वैल्यू रख सकते हैं, क्योंकि ये भी दोनों ऊर्जा का ही रूप है, ये आंतरिक ऊर्जा है, ये एंथैल्पी भी एक ऊर्जा ही है, तो इनकी यूनिट जिसमें दी होगी क्वेश्चन में, आपको आर को उसी यूनिट में उसकी वैल्यूज वहां पे रख के इसको सॉल्व करना होगा। और अब आते हैं कैपिटल टी के बारे में। तो कैपिटल टी आपका क्या है? कैपिटल टी जो है वो आपका वो टेम्परेचर है, और वो टेम्परेचर किस में है? केल्विन में। ध्यान दीजिएगा, टेम्परेचर हमेशा लेंगे केल्विन में, और आपको मालूम है केल्विन में टेम्परेचर कैसे निकालने का है? तो टेम्परेचर केल्विन में जब निकालते हैं, डिग्री केल्विन में, तो ये होता है टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस 273.15। एक्चुअल में 273.15 वैल्यूज होती हैं अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू लेते हैं, पर हम लोग कैलकुलेशन, चूंकि हमारे पास कैलकुलेटर अलाउ नहीं रहता एग्जाम में, तो हम क्या करते हैं, ये 0.515 जो होता है, इस सिग्निफिकेंट फिगर को हम क्या करते हैं, निगलेक्ट कर लेते हैं, और हम लोग राउंड अप कैलकुलेशन करने के लिए हम यहाँ पे 273 ही जोड़ते हैं, पर एक्चुअल जो वैल्यू आती है वो 273.15 होती है, जिसका इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में परिवर्तित करेंगे और फिर उसका मान यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि हमने टेम्परेचर को यहां पे कैपिटल टी सिंबल से रिप्रेजेंट किया हुआ है। जब जब टेम्परेचर कैपिटल टी सिंबल से रिप्रेजेंट होगा, मतलब बड़े टी के साथ रिप्रेजेंट होगा, तब तक आपको करना क्या पड़ेगा, आपको उसको हमेशा केल्विन में ले जाना पड़ेगा, और जब स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं तो वहां हम डिग्री सेंटीग्रेड का इस्तेमाल करते हैं, पर चूंकि ऐसा यूनिट टेम्परेचर की केल्विन ली जाती है, इसी कारण हम टेम्परेचर को यहां केल्विन में ही इस्तेमाल करेंगे। तो आई थिंक आप इस चीज को समझ गए होंगे। तो यह पूरा का पूरा सिस्टम जो है, ये पूरा का पूरा जो हमने अभी आपको ये बताया कि अगर गैसीय तंत्र में है, उसमें ये दोनों चीजें तो कांस्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि पूरा का पूरा तंत्र एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे काम करता रहता है, तो उस कंडीशन में टेम्परेचर तो कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब कोई एक फिक्स वैल्यू आ जाएगी। आर चूंकि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो वो भी कांस्टेंट हो गया। जो वैल्यू चेंज होगी, जो वेरिएबल है, वो आपका है डेल्टा एनजी, मतलब ये बदलता रहता है, और इसके बदलने के कारण इन दोनों के रिलेशन में फर्क आता है। तो इसके बाद अब मैं एक टॉपिक इसी में ले रहा हूं कि डेल्टा एच और डेल्टा ई में क्या संबंध होता है, रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा ई अकॉर्डिंग टू डेलेंजी। तो ये रिलेशन बनेगा डेल्टा एच और डेल्टा ई के बीच में। तो पहला केस अगर ले रहे हैं हम लोग कि अगर इफ यदि डेल्टा एन जी अगर जीरो हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, अगर डेल्टा एन जी, अब हम लोग देखेंगे कि डेल्टा एच माने एंथैल्पी परिवर्तन और आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा ई में क्या रिलेशन बनेगा। उसमें हम पहला केस देख रहे हैं कि यदि इफ डेल्टा एन जी अगर मान लीजिए जीरो हो जाता है, मतलब मैंने आपको कुछ पहले बताया था अभी कुछ देर कि अगर मान लीजिए मोलों की संख्या में एक परिवर्तन अगर शून्य हो जाता है तब क्या होगा। तो मोलों की संख्या में परिवर्तन शून्य तभी होगा जब आपके पास में एनपीजी मतलब उत्पाद के गैसी मोल और अभिकारक के गैसी मोल क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं। अगर ये सिचुएशन बनती है तो उस कंडीशन में डेल्टा एच बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा ई हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि आपने भी कुछ देर पहले फॉर्मूला देखा था कि एंथैल्पी परिवर्तन जो हो रहा है उसमें रिलेशन ये था डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ये आपने रिलेशन देखा था गैसियस कंपोनेंट के लिए। तो इस कंडीशन में आप देख रहे हैं कि आपने यहां पे मल्टीप्लाई किया हुआ है डेल्टा एन को आर और टी के साथ में, तो अगर ये चीज जीरो हो जाती है डेल्टा एन, तो ये पूरा का पूरा टर्म मैथमेटिकली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और ऐसी कंडीशन में डेल्टा एच और डेल्टा ई
बराबर हो जाएंगे। कोई रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यह होता है, क्योंकि ये पॉपुलर क्वेश्चन है, एसीएफ में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो इसको आपको देखना जरूरी है। तो अगर मान लीजिए ये चीज जीरो हो रही है, इसका मतलब है ये रासायनिक अभिक्रिया जो मैंने आपके सामने लिखी है हाइड्रोजन और आयोडीन की क्रिया से जो एच आई बन रहा है, यहां पर आपका डेल्टा एन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा डेल्टा एन जी की वैल्यू, और इसके लिए डेल्टा एच और डेल्टा ई बराबर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि निम्न में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया के लिए डेल्टा एच और डेल्टा ई बराबर हो जाएंगे, या यूं कहिए कि एंथैल्पी परिवर्तन और आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन बराबर होगा, तो वो आएगा आपका इस रिएक्शन। ऐसे आप ऑप्शन में देखिएगा किसमें यह कहानी बन रही है। तो यह पहला केस हो गया। अब आप दूसरा केस आते हैं, अगर मान लीजिए अब हम जब बोल रहे हैं जीरो हो जाता है, तो इसके दो और केस बन सकते हैं कि जब डेल्टा एन शून्य के बराबर नहीं होगा, तो उसकी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि डेल्टा एन जी क्या हो जाए, आपका पॉजिटिव हो जाए। अगर मान लीजिए डेल्टा एन जी धनात्मक हो जाता है, या यूं बोल सकते हैं, लिख सकता है कि डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन जब भी बन जाएगी, उस कंडीशन में क्या होगा कि डेल्टा एच जो है वो ग्रेटर देन हो जाएगा डेल्टा ई के। ध्यान दीजिएगा, मतलब अगर ग्रेटर देन जीरो हुआ तो ये चीज ग्रेटर हो जाएगी। आप उसको ऐसे अपने दिमाग में रख सकते हैं कि डेल्टा एच जो है वो ग्रेटर देन डेल्टा ई हो जाएगा, मतलब एंथैल्पी परिवर्तन इज ग्रेटर देन इंटरनल एनर्जी चेंज, क्योंकि आपका डेल्टा एन की वैल्यू क्या हो जा रही है, शून्य से अधिक हो जा रही है। किसी एग्जांपल में ये व्यवस्था देखनी हो तो हम देख सकते हैं। मान लीजिए मैंने सल्फर ट्राइऑक्साइड का वियोजन दिखाया आपको, तो ये बनाएगा यहां पर सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस। अब आप देख रहे हैं यहां से अगर मैं डेल्टा एन जी की वैल्यू निकालूं, यहां से अगर मैं डेल्टा एन जी की वैल्यू निकालूं, तो क्या वैल्यू आएगी यहां पे, आप देख रही हैं तीन, क्योंकि उत्पाद के साइड गैसी मोलों की संख्या कितनी हो रही है, तीन, और उसमें से माइनस करेंगे हम लोग दो, क्योंकि यहां पे गैसी मोलों की संख्या कितनी है, दो, किधर, अभिकारक की तरफ से। हमने आपको सूत्र बताया था कि उत्पाद के गैसी मोल माइनस अभिकारक के गैसी मोल, तो यहां से यह मान कितना आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, वन आ जाएगा, मतलब ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, और ऐसी कंडीशन में डेल्टा एच जो है वो डेल्टा ई से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब बिल्कुल इसका अपोजिट केस, अब आप समझ गए होंगे कि यदि डेल्टा एन जी का मान शून्य से कम हो जाए, या यूं बोलिए कि ऋणात्मक हो जाए, यदि डेल्टा एन जी अगर निगेटिव हो जाता है, अगर निगेटिव हो जाता है, या अपन बोल सकते हैं डेल्टा एन जी लेस देन जीरो हो जाता है मान लेते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपका डेल्टा एच जो होगा वो लेस देन हो जाएगा डेल्टा ई के। ध्यान दीजिएगा, तो कौन सी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया में मिलेगा आपको, बेसिकली जब क्वेश्चन आएगा तो वो रासायनिक अभिक्रिया दे के पूछेगा कि इसमें क्या चेंज हो रहा है, मतलब इसमें क्या रिलेशन बन रहा है डेल्टा एच और डेल्टा ई के बीच में। तो यदि आप रिएक्शन देखें, तो कुछ देर पहले हमने इस रिएक्शन का भी जिक्र किया था कि ये हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण है, ये हमने अमोनिया का निर्माण किया हैबर विधि से, ये एक पॉपुलर रिएक्शन है, और ये सारे कंपोनेंट क्या हैं, गैसेस फेज में है, क्योंकि आपको मालूम है कि ये सूत्र हमने कुछ देर पहले बताया कि ये जो सूत्र होता है वो गैसेस तंत्र के लिए होता है, जब सिस्टम आपका गैसी होता है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग डेल्टा एन जी कैलकुलेट करते तो यहां से आता 2-4, क्योंकि उत्पाद के साइड में दो है गैसी मोल और अभिकारक के साइड में तीन, और ये एक मोल, चार टोटल, तो यहां से अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी -2, और यहां पे हम उसका मान रख के आप डेल्टा एच और डेल्टा ई में संबंध बना सकते हैं, क्योंकि हमको न्यूमेरिकल वैल्यू मालूम करनी नहीं है, हमको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। वैल्यूज तो कुछ भी हो सकती है जो क्वेश्चन में आपको मिलेगी, पर आपको ये कॉन्सेप्ट तीनों ध्यान रखना है। आई होप आप ये सारे रिलेशन को समझ गए होंगे। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। हमने अभी एंथैल्पी को डिस्कस किया, उसकी सारी कंडीशंस को आपके सामने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं एक और कॉन्सेप्ट की ओर, जिसको कि आपको समझना है, और वो होता है प्रोसेस या प्रक्रम। प्रोसेस, या हिंदी में उसको बोलते हैं हम लोग प्रक्रम। प्रोसेस क्या होती है थर्मोडायनेमिक्स में? हमारे केमिस्ट्री में अगर हम थर्मोडायनेमिक्स के रिस्पेक्ट में बात करें, ऊष्मागति के रिस्पेक्ट में बात करें, तो हम बात करेंगे प्रोसेस का मतलब होता है व्हेन सिस्टम वर्क, या यूं बोलें कि जब तंत्र कार्य करता है।
अब तंत्र का कार्य करना मतलब तंत्र अपनी जिस पोजीशन में था उस पोजीशन से अगर अपने आप को बदल लेता है। अब बदलने का मतलब क्या होगा? बदलने का मतलब है कि मान लीजिए पहले स्थिर था तो वो गतिमान हो जाए, या गतिमान था तो स्थिर हो जाए। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब है कि अपनी ओरिजिनल सिचुएशन से, पोजीशन से अगर वो चेंज हो जाता है तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं प्रोसेस या प्रक्रम। जब तंत्र कुछ भी कार्य करेगा, कुछ भी करेगा, वो कहलाएगी प्रोसेस। अच्छा, प्रोसेस भी अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे हम बात करें एक पॉपुलर प्रोसेस की, जैसे हम बात करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल, अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है, या हिंदी में बोले कि समतापी प्रक्रम है, तो समतापी प्रक्रम में क्या होगा? समतापी प्रक्रम में होगा कि जब तंत्र कुछ भी काम करेगा उस दौरान टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा। देखिए, पिछले कुछ लेक्चर में हमने ऑर्गेनिक वाले जो पोर्शन में हमने नॉमनक्लेचर को डिस्कस किया था, उसके बाद आइसोमेरिज्म को डिस्कस किया होगा, अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस देखे होंगे, तो उसमें हमने एक बात बताई थी कि ये आइसो वर्ड जो होता है, ये ग्रीक में इसका मीनिंग होता है सेम। सेम थर्मल मतलब टेम्परेचर, तो जैसे थर्मामीटर नाम पड़ा है, तो थर्मल मीटर मतलब जो थर्मस को, मतलब जो टेम्परेचर को मेजर कर रहा है, मीटर मतलब मॉनिटर कर रहा है ना, तो आइसो का मतलब है सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर सेम होगा। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है? सेम टेम्परेचर, ध्यान दीजिएगा, सेम टेम्परेचर, समान तापक्रम। अब ध्यान इस बात पर रखना है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो होता है, बट टी नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब तापक्रम में परिवर्तन शून्य है पर तापक्रम शून्य नहीं है। तापक्रम तो कुछ ना कुछ होगा, शून्य होने का मतलब कोई चेंज नहीं हो रहा है, ये कहने का मतलब है, पर यहां पे तापक्रम कुछ ना कुछ होगा, माने तंत्र जब काम करना शुरू करे उससे पहले और तंत्र अपना काम खत्म कर ले उसके बाद टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका कोई एग्जांपल समझे तो हम समझ सकते हैं। सबसे बढ़िया एग्जांपल हमारे ह्यूमन बॉडी का, इज अ कॉमन फिनोमिना कि आप मान लीजिए बैठे हैं, रेस्टिंग फेज में हैं, तो अगर आप हेल्दी हैं, अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, आपको बुखार नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, तो हम बात करें तो नॉर्मल एक रेस्टिंग फॉर्म में अगर एक हेल्दी पर्सन है उसके बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर वही व्यक्ति मान लीजिए 1 किलोमीटर दौड़ लिया, जॉगिंग कर लिया या एक्सरसाइज कर लिया, उसके बाद अगर मैं उसके बॉडी का टेम्परेचर लूंगा तो क्या बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा, बॉडी का टेम्परेचर स्टिल 37 ही रहेगा, क्योंकि ये प्रोसेस क्या है? आइसोथर्मल है। ये प्रोसेस आइसोथर्मल है। हम अपने बॉडी को सिस्टम मान लें, अगर तंत्र मान लें, तो तंत्र जो भी काम कर रहा है तो कार्य शुरू करने से पहले और कार्य खत्म करने के बाद दोनों ही कंडीशन में टेम्परेचर पर कोई चेंज नहीं आया, तो ऐसे तंत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, या ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस। माने तंत्र अगर मान लीजिए बिना टेम्परेचर चेंज किए अपनी स्थिति को बदल लेता है तो वो प्रोसेस कहलाएगी आइसोथर्मल। आई होप आप इस चीज को अच्छे से समझ गए होंगे। दूसरी प्रोसेस पे आते हैं। दूसरी प्रोसेस का नाम है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक का मतलब होता है समदाबी प्रक्रम। अब नाम से ही लग रहा है आपको, इसने बहुत ज्यादा इसी कारण मैं डिस्कस करने में अपना टाइम नहीं लगाऊंगा और वीडियो को लंबा नहीं करूंगा। आइसोबारिक बोलने का मतलब आप समझ जा रहे हैं नाम से ही कि प्रेशर वहां पे सेम रहेगा, मतलब प्रेशर में चेंज जीरो रहेगा, ठीक है? मतलब यहां जो कंडीशन बनी वो यहां पे हो जाएगा डेल पी इक्वल टू जीरो बट पी नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब दाब तो कुछ ना कुछ रहेगा पूरे सराउंडिंग में, बस दाब में परिवर्तन नहीं हो पाएगा, दाब में परिवर्तन शून्य रहेगा। मतलब अभिक्रिया शुरू होने से पहले जो भी तंत्र का दाब रहा होगा, अभिक्रिया खत्म करने के बाद भी दाब जो रहेगा वो सेम रहेगा। तो आप ये समझ गए होंगे, दो प्रोसेस हो गई आपके दिमाग में शायद बैठ गई होगी। तीसरी प्रोसेस पे आते हैं। तीसरी जो प्रोसेस है वो है आइसोकोरिक प्रोसेस। ध्यान दीजिएगा, आइसोकोरिक प्रोसेस, या इसको बोलते हैं हम लोग सम आयतनी प्रक्रम। सम आयतनी बोलने का मतलब है जहां पे आयतन परिवर्तन शून्य हो जा रहा हो, मतलब यहां पे डेल वी इक्वल टू जीरो बट वी नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब आयतन में परिवर्तन तो शून्य रहेगा पर आयतन शून्य नहीं होगा, कुछ न कुछ तंत्र का आयतन होगा,
2 ml, 10 ml, 5 ml, whatever वो रहेगा, पर उसमें चेंज नहीं होगा। माने क्रिया होने से पहले जितना ताप, जितना आयतन रहा होगा, तंत्र का क्रिया होने के बाद भी उतना ही तंत्र का आयतन रहा होगा। आई थिंक, आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब आते हैं हम लोग चौथी कंडीशन में। हमने ये तीन कंडीशन ले ली, आइसोटर्मल, आइसोबारिक और आइसोकोरिक। अब आते हैं नेक्स्ट कंडीशन में, और वो होती है एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस, रुद्धोष्म प्रक्रम हिंदी में बोलते हैं। क्या चीज यहां पे कांस्टेंट रहेगी? ध्यान दीजिएगा, यहां पे डेल्टा एच शून्य होता है, मतलब यहां पे एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है, बट एंथैल्पी नॉट इक्वल टू जीरो। एंथैल्पी कुछ ना कुछ होगी तंत्र की, बस एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं होगा। तो ये कुछ पॉपुलर प्रोसेस हैं, प्रक्रम है, जो आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन में बस ये चीज पूछता है कि कौन सा फैक्टर यहां पे कांस्टेंट होगा। कि टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो उसको आइसोथर्मल बोलेंगे, प्रेशर कांस्टेंट होगा तो उसको आइसोबारिक बोलेंगे, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो उसको आइसोकोरिक बोलेंगे, और अगर एंथैल्पी कांस्टेंट हो गई तो उसको हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस के नाम से जानते हैं। तो प्रक्रम आप समझ चुके कि जब तंत्र कुछ भी काम करेगा या अपनी स्थिति में परिवर्तन करेगा, उससे जो भी फिनोमिना हो रहा है, उस फिनोमिना को हम लोग बोल रहे हैं प्रोसेस। अब आते हैं इसके एक और टॉपिक की ओर आगे बढ़ के थर्मोडायनेमिक्स में, और वो है आपका एंट्रोपी। ध्यान दीजिएगा, अब नेक्स्ट प्रोसेस पे आ रहे हैं हम लोग, और वो है आपका एंट्रोपी। एंट्रोपी को हम लोग किस सिंबल से प्रदर्शित कर रहे हैं? एंट्रोपी को हम लोग प्रदर्शित करते हैं यहाँ कैपिटल एस से। कैपिटल एस होता है एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होती है? किसी भी तंत्र की जो एंट्रोपी होती है वो उसकी अव्यवस्था का मापन होती है। द एंट्रोपी इज द मेजरमेंट ऑफ रेंडमनेस ऑफ सिस्टम। तो किसी भी सिस्टम में जो रेंडमनेस आएगी, अव्यवस्था आएगी, उसको मापने के लिए जो मेथड हम यूज करेंगे वो है आपका एंट्रोपी। एंट्रोपी इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ हीट, मतलब ये ऊष्मा का ही एक रूप है, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है जूल प्रति केल्विन प्रति मोल। तो यहां पे जूल, हमने आपको पहले ही बताया हीट का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो जूल होता है, तो हम जूल में इसको मेजर कर रहे हैं, तो जूल पर केल्विन पर मोल, ये एंट्रोपी है। अब एंट्रोपी भी एक हीट है। अब इसको अगर जनरल एग्जांपल से समझे तो शायद बेहतर समझ पाएंगे। मान लीजिए आप किसी टॉकीज में, पीवीआर में गए हैं सिनेमा देखने के लिए, आप कोई पिक्चर देख रहे हैं, और बहुत सारे लोग भी इस हॉल में बैठे हैं और पिक्चर देख रहे हैं, शांति से पिक्चर चल रही है, और अचानक किसी ने कह दिया कि यहां पे बम रखा हुआ है, किसी ने अफवाह फैला दी, तो होगा क्या? होगा ये कि पूरे हॉल में एक भगदड़ का माहौल बन जाएगा, लोग बाग इधर उधर भागने लग जाएंगे, और इस दौरान जो हीट निकलेगी वहां पे उस सराउंडिंग के अंदर जो हॉल है, तो वही हीट क्या बन जाएगी? आपकी एंट्रोपी, क्योंकि रैंडमनेस को मेजर कर रहा है। रैंडमनेस मतलब जो रैंडमनेस के दौरान जो हीट निकल रही है, वो हीट जो है वो क्या कहला रही है? आपकी एंट्रोपी। तो उसको मेजर करता है एंट्रोपी। और इसको निकालते कैसे हैं? अगर हम मैथमेटिकली फॉर्मूले में जाके देखेंगे तो हम इसको इस फॉर्मूले से निकालते हैं। एंट्रोपी जो होती है वो h बाई टी, मतलब h यहां पे एंथैल्पी और t जो है वहां पे टेम्परेचर। अब अगर यहां पे मैं एंट्रोपी चेंज को दिखाऊं, तो हम आपने पहले बताया हम डेल्टा लगा के उसको दिखाते हैं, लार्ज डेल्टा, तो डेल्टा s इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एच बाई टी। इस फॉर्मूले से हम उसको निकाल, तो डेल्टा एच एंथैल्पी परिवर्तन, और टी यहां पे जो है वो टेम्परेचर है, और वो टेम्परेचर हम किस में लेंगे? वो टेम्परेचर हम लोग लेंगे केल्विन में। केल्विन में टेम्परेचर को लेके यहां पे हम लोग क्या करेंगे उसको देखेंगे। आई थिंक आप ये चीज, सारी चीज समझ रहे होंगे एंट्रोपी को निकालने के लिए। अब अगर मान लीजिए किसी रिएक्शन में एंट्रोपी को हमको देखना है, तो किसी रिएक्शन में अगर हम लोग एंट्रोपी को देखते हैं, तो एंट्रोपी में जो चेंज आएगा वो आएगा समेशन ऑफ एस पी माइनस समेशन ऑफ एस आर, मतलब उत्पाद की एंट्रोपी का योग माइनस अभिकारी। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपने डेल्टा एच में देखा हुआ था कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद की एंट्रोपीज का सम माइनस अभिकारक की एंट्रोपीज का सम करेंगे, समेशन का चिन्ह लगाया, तो यहां से डेल्टा एस कैलकुलेट होगी। किसी भी स्वतः अभिक्रिया के लिए ध्यान रखिएगा, स्वतः अगर अभिक्रिया हो रही है उसमें जो एंट्रोपी चेंज की वैल्यू आती है वो हमेशा किसमें आती है?
पॉजिटिव में आती है, मतलब एंट्रोपी बढ़ती है। और एंट्रोपी कब बढ़ेगी, जब उत्पाद की एंट्रोपी अभी कारक से ज्यादा होगी तभी एंट्रोपी बढ़ेगी, क्योंकि आप यहां पे माइनस कर रहे हैं, बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से माइनस करेंगे तभी चीज पॉजिटिव में आएगी। तो एंट्रोपी का बढ़ना यह स्वतः अभिक्रिया को क्रिएट करता है, इंस्पॉन्टेनियस रिएक्शन को क्रिएट करता है। मतलब अगर मान लीजिए एंट्रोपी बढ़ रही है तो इसका मतलब है सिस्टम जो काम कर रहा है वो स्पॉन्टेनियसली काम कर रहा है। तो प्रकृति में जितनी भी अभिक्रियाएं होती हैं वो सारी की सारी जो होती हैं, जितनी भी अभिक्रियाएं प्रकृति में होती हैं वो सारी अभिक्रियाएं जो होती हैं उसमें एंट्रोपी जो होगी हमेशा आगे की ओर बढ़ेगी। ठीक, तो ये चीज आप शायद समझ गए होंगे कि क्या है एंट्रोपी। अच्छा, एक चीज और यहां पर समझेंगे आप यहां पर कि एंट्रोपी गैस की सबसे ज्यादा होती है, फिर लिक्विड की और फिर सॉलिड की। तो एंट्रोपी गैस, फिर लिक्विड और फिर सॉलिड। सॉलिड की एंट्रोपी सबसे कम होती है क्योंकि इसमें अणु जो परमाणु होते हैं वो आपस में बाइंड होते हैं, बंधे हुए होते हैं, इसी कारण उनकी एंट्रोपी कम होती है। और गैस के अणु काफ़ी दूर दूर होते हैं तो उनमें अव्यवस्था ज़्यादा तेजी से फैल सकती है और रैंडमनेस ज़्यादा होती है क्योंकि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव कर पाते हैं। फिजिक्स के हिसाब से अगर हम बात करें हल्के होने के कारण, इसी कारण उनकी एंट्रोपी ज़्यादा होती है। अच्छा, यहाँ पे एक पॉपुलर क्वेश्चन बनता है जिसको कि कैंडिडेट अक्सर कन्फ्यूजन में होता है कि अगर मान लीजिए मैं एक एग को या अंडे को अगर मैं बॉयल कर रहा हूँ, उबाल रहा हूँ, तो क्या उसकी एंट्रोपी बढ़ेगी। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा कि यदि मैं किसी भी एग को बॉयल करता हूँ तो उसकी एंट्रोपी घट जाती है। उसकी वजह क्या है कि जब आप एग को बॉयल करते हैं तो बॉयल करने के बाद एग जो होता है के अंदर जो लिक्विड फॉर्म में जो मैटर होता है, पदार्थ होता है, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है जिसके कारण एंट्रोपी घट जाती है। नॉर्मली तो हम ये समझते हैं कि अगर आप किसी चीज को गर्म करेंगे तो उसमें रैंडमनेस बढ़ेगी, अव्यवस्था बढ़ेगी और उसकी एंट्रोपी भी बढ़ जाएगी साइमल्टेनियसली। पर एग के केस में थोड़ी कहानी अलग होती है, उसमें अगर आप उसको बॉयल करेंगे तो वहां एंट्रोपी बढ़ने की बजाय क्या हो जाएगी, एंट्रोपी घट जाएगी। तो ये आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये मैंने एक टॉपिक और कंप्लीट किया इस थर्मोडायनेमिक्स में जिसको कि आपको जानना था और वो था आपका एंट्रोपी। अब आते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे और वो है इसका मुक्त ऊर्जा। मुक्त ऊर्जा ये इसका थर्ड टॉपिक है अगर हम ऐसे देखें तो, ये है मुक्त ऊर्जा। मुक्त ऊर्जा को इंग्लिश में बोलते हैं फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी। और इसका जो सिंबल है, इसका जो प्रतीक है वो होता है आपका कैपिटल जी, कैपिटल जी से उसको प्रदर्शित करते हैं और ये है आपका मुक्त ऊर्जा। क्या होती है मुक्त ऊर्जा, किसी भी तंत्र में, किसी भी तंत्र में वो ऊष्मा जिसके कारण तंत्र कोई उपयोगी कार्य को परफॉर्म करता है या पूर्ण करता है उसको बोलते हैं मुक्त ऊर्जा। मतलब फ्री एनर्जी इज दैट एनर्जी वेयर द सिस्टम परफॉर्म यूजफुल वर्क। तो यूजफुल वर्क को परफॉर्म करने के लिए जो हीट सिस्टम कंज्यूम कर रहा है, यूज कर रहा है, वही कहला रही है आपकी मुक्त ऊर्जा। तो एक बात यहां पे ध्यान रखने की है कि यूजफुल वर्क का क्या मतलब हो रहा है। देखिए, यूजफुल वर्क का मतलब बहुत ब्रॉड है। यूजफुल वर्क अपने अपने कंडीशन में अलग अलग है। अलग अलग का मतलब यह होगा कि जैसे मान लीजिए एक ड्राइवर है जो गाड़ी चलाता है तो गाड़ी चलाना उसके लिए यूजफुल वर्क हो गया। एक डॉक्टर है, एक सर्जन है, उसके लिए ऑपरेशन करना एक यूजफुल वर्क हो गया। एक पुलिस वाला है तो उसके लिए कानून व्यवस्था बनाना एक यूजफुल वर्क हो गया। तो हर के लिए यूजफुल वर्क अलग अलग डिफाइन हो रहा है। तो यूजफुल वर्क की यूनिवर्सल फिर डेफिनेशन क्या हुई, यूजफुल वर्क की यूनिवर्सल डेफिनेशन ये होती है कि तंत्र को अपना एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए जो काम करना जरूरी होता है वही उसके लिए यूजफुल वर्क हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर एक मिलिट्री वाला, अगर एक सेना का सैनिक अगर दुश्मन को मार रहा है तो
तो वो उसके लिए यूजफुल वर्क है। पर एक आम आदमी अगर किसी व्यक्ति को मारेगा तो ये उसके लिए क्राइम हो जाएगा, उसके लिए उसको सजा हो जाएगी। तो यूजफुल वर्क की डेफिनेशन अलग है। तो हम उसको मोटे मोटे तौर पे अगर समझ लें कि यूजफुल फुल का मतलब ये है कि तंत्र को अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए जो वर्क हुआ वो यूजफुल वर्क हो गया, तंत्र को अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, दैट इज कॉल्ड यूज, या प्रोसीड करने के लिए वो ऊर्जा। ये भी ऊर्जा है तो इसकी यूनिट भी किलो जूल में ही होगी या में लेंगे। तो ये मुक्त ऊर्जा का डेफिनेशन मैंने आपको क्लियर किया। अब उसका फॉर्मूला जो मैथमेटिकली हम लोग निकालेंगे वो फॉर्मूला है आपका जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। यहाँ पे जी जो है वो मुक्त ऊर्जा है, एच आपका एंथैल्पी है जो कुछ देर पहले पढ़ा आपने, टी यहाँ पे टेम्परेचर है और एस जो है यहाँ पे वो एंट्रोपी है। अब ध्यान देंगे अगर हम इसमें परिवर्तन दिखाना चाहें तो डेल जी इज इक्वल टू हो जाएगा डेल एच माइनस टी डेल एस। मतलब अगर मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन जो हो रहा है वो एंथैल्पी में परिवर्तन माइनस टी डेल एस, तो यहां पे टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब टेम्परेचर यहां पे कांस्टेंट रहा। इसका मतलब मुक्त ऊर्जा एक कैसा प्रोसेस हो गया, मुक्त ऊर्जा हो गया एक आइसोथर्मल प्रोसेस, समतापी प्रक्रम। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर वहां पर क्या है, कांस्टेंट है, टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा है। टेम्परेचर तो है, कुछ ना कुछ रहेगा वैल्यू, पर उसमें परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि आपने डेल्टा उसमें नहीं लगाया। तो ये चीज आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि यहाँ पे डेल्टा जी, तो यहाँ पे सब में मैंने डेल्टा लगाया पर टी में मैंने डेल्टा नहीं लगाया, और टी में डेल्टा नहीं लगाने का मतलब ये है कि टेम्परेचर वहां पर कॉन्स्टेंट है। अच्छा, अब इसमें दो कंडीशन आपके सामने आती है कि डेल्टा जी जो है वो पॉजिटिव अगर हो गया और डेल्टा जी अगर निगेटिव हो गया। वो इसलिए क्योंकि आप यहां पे इसको सब्सट्रेट कर रहे हो, और सब्सट्रेट करने का सीधा मतलब है कि जब आप इसको घटाएंगे तो ये वैल्यू अगर डेल्टा एच बड़ा होगा टी डेल्टा एस से तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा। इसका मतलब है कि डेल्टा एच व्हेन ग्रेटर देन टी डेल्टा एस तो ये चीज पॉजिटिव आएगी, और अगर डेल्टा एच लेस देन टी डेल्टा एस हो जाएगा तो ये चीज निगेटिव आ जाएगी। तो अगर डेल्टा जी पॉजिटिव आता है तो ऐसी सारे सिस्टम के लिए वो क्या हो जाएगा, अस्वतः हो जाएगा, अस्वतः मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस। तो नॉन स्पॉन्टेनियस डेल जी का वैल्यू अगर पॉजिटिव होता है तो होगा, और अगर डेल जी का वैल्यू निगेटिव हो जाता है तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, स्वतः हो जाएगी, या इंग्लिश में बोले तो ये स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। तो नॉन स्पॉन्टेनियस और स्पॉन्टेनियस के लिए आपको उसकी चिन्ह का ध्यान रखना है, किसके, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन के। अगर मुक्त ऊर्जा परिवर्तन पॉजिटिव में आता है तो वो डेल्टा जी पॉजिटिव में आ जाएगा तो अस्वतः हो जाएगी, और डेल्टा जी अगर निगेटिव आता है तो उसके लिए ये अभिक्रिया स्वतः या स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। अब इस चीज को एक डायग्राम से, एक पूरे ग्राफ से, इस जो चार्ट से इस चीज को समझते हैं, और जो क्वेश्चन ACF में आया भी हुआ था मैं वहां पहुंचने जा रहा हूं अब इस चार्ट के थ्रू। तो ये सारी चीजें अगर आपको अभी क्लियर हो गई होंगी तो आप इस चार्ट को अब यहां पे बेहतर समझ पाएंगे कि हो क्या रहा था। सबसे पहले मैं डेल्टा एच लिख रहा हूं, फिर मैं डेल्टा एस लिख रहा हूं, फिर मैं यहां पे टेम्परेचर ले रहा हूं, और फिर यहां पे डेल्टा जी ले रहा हूं। तो ये मैंने चार कॉलम बना रखे। अब मैं कुछ केसेस यहां पर रख रहा हूं, और वो केसेस उनकी वैल्यूज को लेकर नहीं, उनके चिन्ह को लेकर मैं बना रहा हूं। अब मैं मान लेता हूं कि अगर मैंने डेल्टा एच निगेटिव ले लिया और डेल्टा एस मैंने पॉजिटिव ले लिया, मतलब चिन्ह लिया, वैल्यू कुछ भी होगी, मैंने कुछ देर पहले बताया हम न्यूमेरिकल यहां नहीं कर रहे, हम कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर रहे हैं आपके पास। तो ये डेल्टा एच अगर निगेटिव हो गया और डेल्टा एस पॉजिटिव हो गया तो टेम्परेचर आपका कुछ भी होगा, कोई भी टेम्परेचर होगा, हमेशा डेल्टा जी क्या हो जाएगा, आपका निगेटिव रहेगा। इसका मतलब है कि अभिक्रिया क्या रहेगी, स्पॉन्टेनियस रहेगी। तो ये परफेक्ट स्पॉन्टेनियस की कंडीशन है, और यही चीज ACF के एग्जाम में पूछा था कि कौन सी ऐसी कंडीशन होगी जिसमें कि डेल्टा जी हमेशा निगेटिव रहेगा, या यूं बोलिए कि अभिक्रिया स्वतः होगी, वो उस कंडीशन में जब डेल्टा एच क्या हो जाए निगेटिव और डेल्टा एस क्या हो जाए पॉजिटिव हो जाए। अब इसी का बिल्कुल अपोजिट, आपको याद केवल यही
कंडीशन रखनी है, दूसरी कंडीशन तो उसका बिल्कुल वाइस वर्सा है या उसका बिल्कुल अपोजिट है। जैसे मान लीजिए यहां पे मैंने पॉजिटिव ले लिया और यहां पे निगेटिव कर दिया, मतलब मैंने साइन बदल दिया, वो अपोजिट कर दिया, तो यहां पे टेम्परेचर कुछ भी रहेगा ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, मतलब ये हमेशा अस्वतः या नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगी, ध्यान दीजिएगा। तो आपको बस पहली कंडीशन दिमाग में रखनी है, दूसरी कंडीशन ऑटोमेटिकली उसका बिल्कुल अपोजिट है तो आपको उसको दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं तीसरे केस में, थोड़ा अलग टाइप से। अगर मान लेता हूं कि दोनों ही निगेटिव हो गए, मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो रही है, ऊष्मा छेपी हो रही है, और साथ ही साथ डेल्टा एस जो हो जा रहा है वो भी निगेटिव हो रहा है। निगेटिव होने का मतलब देखिए, वो निगेटिव तो नहीं होगा, ऊर्जा मतलब घट रही है एंट्रोपी, आप उसको ऐसा समझेंगे, निगेटिव होने का मतलब घट रही है एंट्रोपी। तब यहां पे टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर अब यहां पे लागू नहीं होगा, अब कंडीशन लागू होगी। अब कंडीशन ये लागू होगी कि अगर लो टेम्परेचर हमने लिया है, टेम्परेचर को अगर लो रखा हुआ है तो ये चीज क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। मतलब आपको इसको याद करने का एक बेहतरीन तरीका बताता हूं कि अगर सब कुछ निगेटिव है, जैसे डेल्टा एच निगेटिव है, डेल्टा एस निगेटिव है, और टेम्परेचर भी निगेटिव, निगेटिव ने मतलब कम हो रहा है, तो डेल्टा जी भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। आपको ये कंडीशन ध्यान रखनी है। अब चौथी कंडीशन इसी का अपोजिट ले लेता हूं, अगर दोनों ही निगेटिव हैं और टेम्परेचर को मैंने हाई कर दिया, मतलब तापक्रम बढ़ा दिया, तो ये चीज पॉजिटिव हो जाएगी। मतलब आपको कुल मिला के इस चार्ट में पहली वाली कंडीशन को दिमाग में रखना है और तीसरी वाली कंडीशन को दिमाग में रखना है, बाकी उसी से ही डेवलप हो जाएंगे बाकी कंडीशंस। तो पूरा चार्ट को मत रटने की कोशिश कीजिए ना याद रखने की, उससे आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा और हो सकता है कि ये गलत कर दें, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन आ चुका है, पहली वाली कंडीशन ACF में पूछ चुका है एग्जाम में। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि एग्जामिनर को पता है कि कहां पे कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट होगा कैंडिडेट के माइंड में और वहीं से क्वेश्चन बनेंगे, तो उसको हमको वहां पे प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को उस कुछ शॉर्टकट तरीके निकालने पड़ते हैं जिसके आधार पे आप उसको अपने दिमाग में रख पाएंगे। तो आपने पहली कंडीशन दिमाग में रखी, उसका वाइस वर्सा दूसरी कंडीशन थी। अब तीसरी कंडीशन में क्या है कि जब सब कुछ निगेटिव होगा तो डेल जी भी निगेटिव हो जाएगा, जब टेम्परेचर लो रहेगा, टेम्परेचर लो होने का मतलब एक तरीके से ये भी नीचे ही जा रहा है, तो सब कुछ नीचे चला गया। और इसी का बिल्कुल वाइस वर्सा, अगर दोनों निगेटिव है तो हाई टेम्परेचर पे ये चीज पॉजिटिव हो जाएगी। अब जो तीसरा और चौथा केस जो है वो पांचवें और छठवें में बिल्कुल अपोजिट हो रहा है। मतलब क्या, अब मैं दोनों को मान लीजिए पॉजिटिव ले लेता हूं, दोनों को मैंने पॉजिटिव ले लिया, मतलब एंथैल्पी परिवर्तन भी पॉजिटिव ले लिया, एंट्रोपी परिवर्तन भी पॉजिटिव ले लिया, तब यहां पे जो चीज हो रही थी वो बिल्कुल उलट जाएगी। मतलब अगर मैं टेम्परेचर को लो रखूंगा तो यहां पे पॉजिटिव, सॉरी निगेटिव था, तो यहां पे क्या हो जाएगा, वो चीज पॉजिटिव हो जाएगी। और अगर मैं दोनों को पॉजिटिव लेता हूं और टेम्परेचर को मैं हाई कर देता हूं, तो इससे पहले यहां पे मैंने डेल जी को पॉजिटिव लिया था, तो यहां डेल जी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब है आपको ये नीचे के जो चार केस बने आपके, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, इसमें से केवल आपको तीसरा याद रखना है। तीसरा का बिल्कुल यहां टेम्परेचर को हाई करने से ये चीज बदली, बस बाकी केस सेम थे। और इन दोनों का ये बिल्कुल वाइस वर्सा केस है, तीसरे चौथे का, पांचवा छठवा बिल्कुल अपोजिट केस है। तो इसी का आपको सारों को याद नहीं करने, मैंने जिसको सर्कल बनाया या मैं जिसमें टिक कर रहा हूं, आपको केवल इस छह केस में केवल फर्स्ट और थर्ड केस को आपको ध्यान में रखना है, उसके बेस पे ये सारी चीजें आप समझ जाएंगे और इसके ऊपर क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो आई थिंक आप यहां तक स्थिति समझ चुके होंगे। अब इसमें दो पॉइंट और हैं जिसको कि आप क्लियर कर लें तो आप और बेहतर इसमें कर पाएंगे। और डेल जी में एक कंडीशन है कि अगर रिएक्शन, क्योंकि हम चूंकि केमिस्ट्री में इन चीजों को देख रहे हैं, फिजिक्स में नहीं देख रहे, क्योंकि फिजिक्स में भी थर्मोडायनेमिक्स एक टॉपिक रहता है, पर हम रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर हम लोग ये सारे जो हीट का रिलेशन देख रहे हैं। तो यदि डेल जी साम्य पर अगर अभिक्रिया है, साम्य पर मतलब इक्विलिब्रिया पे, अगर रिएक्शन इक्विलिब्रिया पे है तो डेल जी उसके लिए क्या रहेगा, जीरो रहेगा। अभी तक हमने जो बात की, हमने आपको बताया कि डेल्टा जी जो है वो तीन तरीके से देख सकते हैं, एक देख सकते हैं पॉजिटिव, एक देख सकते हैं निगेटिव, एक देख सकते हैं जीरो। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव हुआ इसका मतलब रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है।
अगर डेल्टा जी निगेटिव हो गया इसका मतलब है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, मतलब स्वतः होगी। स्वतः होने का मतलब जो अपने आप हो रही है, अपने आप होने का मतलब जो नेचुरल प्रोसेस है। ध्यान दीजिए, अपने आप में भी एक कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठता है, मैं अपने आप का क्या मतलब निकालूं, जो अपने आप हो रही है, जैसे पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। आप अगर बाथरूम में अपना नल ऑन करते हैं, टैप ऑन करते हैं, पानी अपने आप आ जाता है ऊपर की टंकी से, ओवरहेड टैंक से, क्योंकि ग्रेविटी वहां पर काम कर रही है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। पर अगर मान लीजिए आपको ओवरहेड टैंक को पूरा भरना है, तब आप उसको अपने आप नहीं भर सकते, आपको कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब आपको पंप का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसके थ्रू पानी ओवरहेड टैंक में चढ़ेगा। तो वो प्रोसेस क्या हो जाएगी हमारे केमिस्ट्री में, हमारे उसमें साइंस में, वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, जो अपने आप नहीं हो रही है। ध्यान दीजिएगा, अपने आप होने वाली प्रोसेस जिसमें आपका विल ना हो। अब अगर तीसरा केस हम बात कर रहे हैं, डेल जी अगर जीरो हो रहा है तो किस कंडीशन में डेल जी जीरो होगा, तो डेल जी तब जीरो होगा जब अभिक्रिया किस पे चली जाएगी, साम्य पर या इक्विलिब्रिया पे चली जाएगी। ये टॉपिक है जो हम लोग पढ़ेंगे आगे वाले समय में। इक्विलिब्रिया मतलब ऐसी रासायनिक उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें अग्र दिशा की अभिक्रिया की दर पश्चिम दिशा की अभिक्रिया के दर के बराबर होती है, ऐसी रिएक्शनों को हम बोलते हैं साम्य अभिक्रिया या इक्विलिब्रियम रिएक्शन, जो हम नेक्स्ट टॉपिकों में कवर भी करेंगे, ये क्योंकि सिलेबस का पार्ट है हमारे। तो यहां पे साम्य अगर अभिक्रिया हो रही है तो वहां पे डेल जी का मान क्या हो जाएगा, शून्य होगा। पर यहीं पे एक ट्विस्टिंग और है जो कैंडिडेट अक्सर कंफ्यूज होकर गलत करता है। साम्य पर डेल जी तो जीरो है, बट डेल जी नॉट जीरो नहीं है। अब क्या डिफरेंस है डेल जी और डेल जी नॉट में, पहले तो इसको अपने को समझना पड़ेगा। डेल जी था मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन और डेल जी नॉट है मानक मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन। तो क्या डिफरेंस, ये तो मैंने उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किया और दोनों का मैंने मीनिंग आपको ओरली बताया कि डेल जी जो है वो मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है और डेल जी नॉट जो है वो मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है। तो इन दोनों में अंतर क्या है? मुक्त ऊर्जा परिवर्तन जो हो रहा है वो अगर मैं यहां पर दिखाऊं तो किसी भी, लिख रहा हूं मैं, किसी भी ताप व दाब पर। ध्यान दीजिएगा, डेल जी जो है परिवर्तन वो किसी और किसी भी ताप और दाब पर है, हमारे लिए कोई डाटा यहां मायने नहीं रखता। पर अगर मैं डेल जी नॉट की बात कर रहा हूं, अगर मैं डेल जी नॉट की बात कर दिया तो डेल जी नॉट पे मेरे पास कंडीशन आ जाएगी कि ये कंडीशन क्या होगी, कि ये जो हो रहा है वो एनटीपी पे होगा। अब एनटीपी की क्या कंडीशन, एनटीपी का फुल फॉर्म क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये कंडीशन जो है यहां पे तापक्रम जो होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड और जो प्रेशर होता है, या मैं इसी को 273.15 केल्विन भी लिख सकता हूं क्योंकि टेम्परेचर का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो केल्विन होता है, और प्रेशर की बात करूंगा मैं तो ये लिखूंगा मैं एक वायुमंडल 1 atm, ठीक है। और इसका दूसरा यूनिट जो था, हालांकि ऐसा यूनिट तो atm ही है, और लिख सकते हैं हम लोग 760 mmHg, मिलीमीटर एचजी, ये भी मात्रक है प्रेशर को नापने का। जो हम लोग ब्लड प्रेशर नापते हैं एक्चुअली में वो एमएम ऑफ एचजी में नापते हैं, आपको शायद पता होगा बायो में, जिसको हम एक इंस्ट्रूमेंट से नापते हैं जिसको हम लोग स्फेग्नोमैनोमीटर के नाम से जानते हैं।